बताया जाता है कि भीम ने इसका निर्माण किया था। हेलो गाइस, वेलकम टू आओ घूमे इंडिया। फ्रेंड्स, आप चैती मेले में या फिर कैसे भी काशीपुर आ रहे हैं तो इस ऐतिहासिक स्थान पर एक बार अवश्य विजिट करें। चलिए दिखाते हैं आपको द्रोण सागर का ऐतिहासिक स्थान। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं द्रोण सागर। आप मेरे पीछे गेट देख सकते हैं द्रोण सागर का। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ के सुंदर सुंदर नजारे और आपको यहाँ के इतिहास के बारे में भी बताएंगे। चलिए चलते हैं द्रोण सागर के अंदर। फ्रेंड्स, द्रोण सागर की वीडियो हमने दो पार्ट में बनाई है। यदि आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने महाभारत काल का ऐतिहासिक किला दिखाया है। द्रोण सागर के मेन गेट से एंट्री करने के बाद आपको महादेव की प्रतिमा दिखाई देगी। मेन गेट के लेफ्ट साइड में उत्तराखंड टूरिज्म की साइड से एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर इस स्थान के विषय में कुछ जानकारी दी गई है। द्रोण सागर के इस सेकेंड पार्ट में हम यहां पर स्थित सुंदर सुंदर मंदिरों के दर्शन कराएंगे। मेन गेट से थोड़ा आगे आने पर आपको कोटेश्वर महादेव के शिवलिंग के रूप में दर्शन होंगे। कोटेश्वर महादेव से थोड़ा आगे आने पर राइट साइड में आपको यह ऐतिहासिक स्थान दिखाई देगा। इसी जगह की वजह से इस पूरे स्थान का नाम द्रोण सागर पड़ा। सो गाइज, अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ द्रोण सागर के बिल्कुल सेंटर में। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे रास्ता, जिस रास्ते से हम इस सागर के सेंटर में आए हैं। आपको चलिए मैं दिखाता हूँ द्रोण सागर। महाभारत काल से जुड़ा हुआ यह द्रोण सागर बताया जाता है कि भीम ने इसका निर्माण किया था। निर्माण करने के बाद अपने गुरु श्री द्रोणाचार्य को भेंट के रूप में इस सागर को दिया था, तभी से इसका नाम द्रोण सागर पड़ा। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ द्रोण सागर के अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर व्यूज। सो गाइज, ये था द्रोण सागर। इस स्थान की वजह से ही इस पूरे स्थान का नाम द्रोण सागर पड़ा हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको सुंदर सुंदर नजारे दिखाते हैं। द्रोण सागर से थोड़ा आगे आने पर ठीक सामने आपको एक और मंदिर दिखाई देगा। चलिए दर्शन कराते हैं आपको मंदिर में विराजमान देवी देवताओं के। इस मंदिर के बाहर ही लेफ्ट साइड से रास्ता जाता है श्री नीलकंठ महादेव के लिए। चलिए दर्शन करते हैं श्री नीलकंठ महादेव के। आप इस मंदिर की बनावट देखिए कितनी प्राचीन है। चेतेश्वर महादेव मंदिर द्रोण सागर।
आप देख सकते हैं कितने प्राचीन पत्थरों द्वारा निर्मित प्रतिमाएं। नीलकंठ मंदिर के सामने स्थित यह तालाब, बताया जाता है कि पांडव इसमें स्नान किया करते थे। फ्रेंड्स, थोड़ा और आगे बढ़ने पर आपको यह पहलवानी अखाड़ा दिखाई देगा। बताया जाता है कि पांडव इसी स्थान पर पहलवानी सीखा करते थे और आज भी बच्चे यहाँ पर पहलवानी सीखते हैं। पहलवानी अखाड़े के सामने आपको दर्शन होंगे हनुमान जी के। चलिए ऊपर चल के आपको कुछ और मंदिरों के दर्शन कराते हैं। फ्रेंड्स, ये रास्ता चला जाता है ऐतिहासिक किले पर। यदि आप किले को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा फर्स्ट पार्ट देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, ये था द्रोण सागर। हमने आपको दर्शन कराया द्रोण सागर में स्थित मंदिरों के। यदि आप चैती में काशीपुर आ रहे हैं तो एक घंटे का समय निकालकर इस तीर्थ स्थान पर जरूर आएं। यहां आपको अपने भारतीय संस्कृति के दर्शन होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।